Hey friends, welcome back to Minds Mind Tutorials. Today is the day 2 of our NEET series and our topic will be biomolecules. So without a further ado, let's get started. The first question here is RNA does not possess. Jo RNA hota usme kya nahi hota? Pehla option hai hamara uracil, adenine, thymine ya fir cytosine. To jo RNA hota hai hame pata hona chahiye ki usme uracil jo hota hai wo present rehta hai lekin kiski jagah par, to wo thymine ki jagah par hota hai. Wahi agar yahan par DNA ki baat ki gayi hoti to jo DNA hota hai usme thymine to present rehta है, वहीं पर यूरेसिल एब्सेंट होता है. तो अभी जो फिलहाल हमारा क्वेश्चन है आरएनए के हिसाब से, तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा यूरेसिल. तो यहां पर ये हमारा सही आंसर हो जाएगा. सेकंड क्वेश्चन हमारा यहां पर है कि इन डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए द टू डीएनए स्ट्रैंड्स आर. जो डबल हेलिक्स होता है डीएनए का उसमें अगर दो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं तो वो किस तरह से होंगे. पहला ऑप्शन है कॉइल्ड अराउंड अ कॉमन एक्सिस. एक कॉमन एक्सिस में कॉइल्ड अराउंड रहेंगे, या फिर कॉइल्ड अराउंड ईच अदर, एक दूसरे पर कॉइल्ड अराउंड होंगे, कॉइल्ड डिफरेंटली, या फिर कॉइल्ड ओवर प्रोटीन शीट. तो इस वाले जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा कॉइल्ड अराउंड अ कॉमन एक्सिस. क्योंकि डीएनए जो होते हैं उसमें कॉइलिंग तो होती है लेकिन एक कॉमन एक्सिस के आसपास होती है. साथ में हमें इतना भी पता होना चाहिए कि जो डीएनए की डायमीटर होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम्स हो सकती है, और जो डिस्टेंस होता है, जो एक टर्न होता है स्पाइरल का, उसका डिस्टेंस होता है 34 एंगस्ट्रॉम. वहीं अगर हम बात करें एक जो टर्न होती है उसमें कितने बेस पेयर्स होते हैं, कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है जो डीएनए से रिलेटेड हमारे सामने आ सकती है. और हमेशा अगर इस तरह का कॉइलिंग वाला क्वेश्चन आएगा तो हमें पता होना चाहिए कि कॉमन एक्सिस के अराउंड ही कॉइलिंग होती है. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर है थर्ड नंबर पे, विच इज़ नॉट कंसिस्टेंट विद डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. ऐसी कौन सी चीज़ है जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का उसके साथ कंसिस्टेंट नहीं होती. पहला ऑप्शन है ए और टी और सी और जी का जो बॉन्डिंग होती है वो, या फिर डेंसिटी ऑफ डीएनए डिक्रीजेज ऑन हीटिंग, ये हमारा ऑप्शन है. और थर्ड हमारा ऑप्शन है ए प्लस टी अपॉन सी प्लस जी इज नॉट कॉन्स्टेंट, या फिर डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी. तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा सी वाला. क्योंकि जो हमारे साइंटिस्ट थे जिनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके, चारगॉफ्स रूल जिन्होंने दिया था, अरविंद चारगॉफ उनका पूरा नाम था, उन्होंने कहा था कि ये वाला जो रेशियो होता है, बेस रेशियो जिसे हम कहते हैं, ये वेराय कर सकता है स्पीशीज टू स्पीशीज में. साथ ही ये जो कहना चाहिए जो रेशियो होता है ये कॉन्स्टेंट भी होता है, तो किसी गिवन स्पीशीज़ में ही हो सकता है. और जो ये इसकी एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि ये कभी भी रेयरली वन के इक्वल होता है. इसमें ये और रहता है कि जो इसका रेशियो रहता है वो ज़्यादातर 0.4 से लेकर 1.9 के बीच में आता है. तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें पता होना चाहिए, जो कि चारगॉफ्स रूल से रिलेटेड होती है. तो ये कंसिस्टेंट भी नहीं हो सकता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के लिए. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर फोर्थ नंबर पर है, द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज. जो हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनके बेसिक यूनिट क्या होता है. पहला ऑप्शन है पेंटोस शुगर, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोइड, या फिर न्यूक्लियोटाइड. तो हमें पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, यानी कि जो डीएनए और आरएनए होते हैं, ये लीनियर मिक्सड पॉलीमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के. तो एक तरह से हम बोल सकते हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उनके ही मेंबर्स होते हैं, उनके बेस यूनिट्स होते हैं, या फिर पॉली न्यूक्लियोटाइड्स ही होते हैं. साथ में हमें ये कुछ और इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लिक एसिड था उसे सबसे पहले डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था मिशर, और उन्होंने सबसे पहले इसका नाम न्यूक्लीन कर दिया था. वहीं जो एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल्टमैन, उन्होंने इसको न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया था. और साथ में हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और न्यूक्लियोसाइड्स में, हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस करा था कि उसमें किन चीज़ों से वो कंप्राइज होता है. तो मैं चाहूँगी इसका आंसर आप खुद देखें जाकर, तो हम लोग पिछली अगर वीडियो देखेंगे तो हमें वैसे भी समझ में आ जाएगा. तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा, ऊपर वाले का तो हमने यहाँ टिक करना शायद रह गया, तो ये रहेगा, और जो नीचे वाला होगा उसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड. तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. तो हमारे फिफ्थ क्वेश्चन में कहा है अ न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड ऑफ. जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो कैसे बना होता है. मैंने अभी आपसे जो क्वेश्चन करा है वो न्यूक्लियोसाइड का है, तो हम उसको अगर कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे तो अच्छा रहेगा, अगर पूरा कम्युनिटी बनता है उसके ऊपर. तो देखते हैं अभी फिफ्थ क्वेश्चन को, जो न्यूक्लियोटाइड रहता है वो किस तरह से बना होता है. तो इसमें ऑप्शन है प्यूरिन, पिरिमिडिन, या फिर फॉस्फेट. दूसरा ऑप्शन है प्यूरिन शुगर एंड फॉस्फेट, या फिर नाइट्रोजन बेस्ड शुगर एंड फॉस्फेट, या लास्ट ऑप्शन है पिरिमिडिन शुगर एंड फॉस्फेट. तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा नाइट्रोजन बेस शुगर एंड फॉस्फेट. क्योंकि हमें पता होता है कि जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उसमें आ जाएंगे जो जितने भी प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स होती है, शुगर में पेंटोस शुगर आ जाएगी, और फॉस्फेट तो हमें पता ही होता ही है. तो ये सारा न्यूक्लियोटाइड का कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा. अब यहाँ पर
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा गया है डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ, जो डीएनए होता है वो किन चीज़ों की रिपीटिंग यूनिट से बना होता है। पहला ऑप्शन है राइबो न्यूक्लियोसाइड्स, जो बिल्कुल हो नहीं सकता, वो आरएनए से रिलेटेड है। फिर आता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड्स, फिर ये थोड़ा ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट है राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, और जो लास्ट ऑप्शन है वो है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, तो यहाँ पर हम उसको टिक करेंगे, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा लास्ट वाला। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है मिनरल एसोसिएटेड विथ साइटोक्रोम इज, जो मिनरल्स होते हैं जो कि साइटोक्रोम से एसोसिएटेड होते हैं, उससे रिलेटेड होते हैं, वो कौन से हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है कॉपर, नेक्स्ट है मैग्नीशियम, जो थर्ड ऑप्शन है वो है आयरन या फिर मैग्नीशियम, या फिर लास्ट ऑप्शन है आयरन और जो हमारा कॉपर होता है वो। तो हमें पता होना चाहिए जो साइटोक्रोम्स होते हैं उनके अंदर हमेशा आयरन और कॉपर पाया जाता है, ये उसका बेसिक जो कहना चाहिए नॉलेज होता है। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए जो साइटोक्रोम होता है, साइटोक्रोम क्या होता है, वो कुछ नहीं है, आयरन पोरफायरिन जो कह सकते हैं हीम प्रोटीन्स होते हैं वैसा होता है। और इसको डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था मैक कन। और जो साइटोक्रोम्स होते हैं अगर हम बात करें, इनफैक्ट वो एक तरह के कॉन्जुकेटेड प्रोटीन्स होते हैं जो कि कंपोज होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल से, जिसमें नॉन प्रोटीन ग्रुप भी हो सकता है। और जो साइटोक्रोम्स होते हैं उनके अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, जो मिनरल्स उसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, वो होते हैं आयरन और हम कह सकते हैं कॉपर। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन आरएनए थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय, जो आरएनए होता है उसमें थाइमिन किससे रिप्लेस्ड होता है। तो हमें पता होना चाहिए उसका सही आंसर होगा यूरेसिल, बिल्कुल फर्स्ट जो क्वेश्चन था वैसा ही इसका पूरा स्टेटमेंट बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, तो हमारा यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है अ सेगमेंट ऑफ डीएनए हैज़ 120 एडेनाइन एंड 120 साइटोसाइन बेसिस। क्या होता है कि जो डीएनए का सेगमेंट है, यहाँ क्वेश्चन हम पहले समझने की कोशिश करेंगे, इसमें 120 या फिर 120 एडेनाइन दिए गए हैं और वहीं 120 साइटोसाइन के बेसिस दिए गए हैं। और यहाँ पर पूछा गया है द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन द सेगमेंट इज, तो फिर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो होंगे वो कितने हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो जो चारगाफ्स रूल होता है उसमें ये फॉर्मूला दिया जाता है, हम पहले फॉर्मूला यहाँ पर नोट करेंगे, जो ए प्लस जी होता है वो इज इक्वल्स टू होता है टी प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि जो 120 है, कहना चाहिए जो एडेनाइन है वो 120 है, और साथ में जी के बारे में कुछ यहाँ पर लिखा नहीं गया वैसे, और जो हम कह सकते हैं यहाँ पर साइटोसाइन होते हैं वो भी हमको बताए गए, वो भी 120 यहाँ पर पूरा, एक सेकंड यहाँ लिखाया नहीं हुआ। फिर यहाँ पर जो साइटोसाइन है वो भी पूरे 120 है, बचता जो है वो होता है टी, और जो हमारा ग्वानिन है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो 120 एडेनाइन के बेस है या फिर 120 साइटोसाइन के बेस है उनका सेम नंबर होगा थाइमिन और ग्वानिन के लिए भी, क्योंकि जो एडेनाइन होता है वो थाइमिन के इक्वल होता है और साइटोसाइन जो होता है वो जी के इक्वल होता है। तो इस वजह से क्या होगा, थाइमिन भी 120 हो जाएगी, वहीं जो ग्वानिन है वो भी 120 हो जाएंगे। इस वजह से जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 480। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 480। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो 10th क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि एडेनाइन क्या होता है। पहला प्यूरीन, न्यूक्लियोसाइड, पिरिमिडिन या फिर न्यूक्लियोटाइड। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमनली बोल सकते हैं पूछा गया क्वेश्चन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यूरीन, क्योंकि जो प्यूरिन्स होते हैं उसमें एडेनाइन आ जाता है, उसके अंदर कह सकते हैं हम ग्वानिन आ जाता है। वहीं अगर मैं बात करूँ साइटोसाइन, थायमिन या फिर यूरैसिल की, ये तीनों चीज़ जिसमें आती है उसका नाम होता है पिरिमिडिन। तो ये अभी हमारे से पूछा जो गया था उसमें एडेनाइन था, तो उसमें सही आंसर हो जाएगा प्यूरीन। तो ये हमारा क्वेश्चन था। हमारा जो 11th क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है, अमीनो एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है प्रोटीन्स, फैटी एसिड्स या फिर एसेंशियल ऑयल्स, या जो लास्ट ऑप्शन है हमारा अल्फा कीटो एसिड्स, इनमें से क्या होगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट्स होती है प्रोटीन्स की। तो यहाँ पर प्रोटीन तो बन नहीं सकता क्योंकि प्रोटीन से प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वो एक तरह के खुद ही प्रोटीन होते हैं, वो प्रोड्यूस उनसे नहीं हो रहे। साथ ही जो प्लांट्स और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने जो कह सकते हैं सिंथेसाइज कर लेते हैं अमीनो एसिड्स को, लेकिन कहाँ से करते हैं, जो इनऑर्गेनिक अल्फा कीटो एसिड्स होते हैं वहाँ से उसको कह सकते हैं सिंथेसाइज करते हैं। और कैसे करते हैं, बाय रिडक्टिव अमीनेशन की जो मेथड होती है या फिर ट्रांस अमीनेशन की जो मेथड होती है उसके थ्रू कर लेते हैं। और जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें एक तरह का कार्बोऑक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है जिसके अंदर अमीनो ग्रुप अटैच्ड होता है जो कि अल्फा कार्बन से होता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि वो एक तरह के अल्फा अमीनो एसिड्स भी कहला सकते हैं, अमीनो एसिड्स को हम
अल्फा अमीनो एसिड्स भी कह सकते हैं. साथ ही जो मेन पॉइंट यहाँ पर है कि वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, अल्फा कीटो एसिड्स. तो इसका सही आंसर होगा अल्फा कीटो एसिड्स, क्योंकि कुछ प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको सिंथेसाइज कर लेते हैं और वो इनऑर्गेनिक वे में करते हैं हालांकि. तो जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो अल्फा कीटो एसिड से प्रोड्यूस हो रहे हैं. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि जो ग्लाइकोजन होता है इज अ पॉलीमर ऑफ, ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर होता है. तो हमारा पूरे ऑप्शन है यहाँ पर, गैलेक्टोज फ्रक्टोज या फिर गैलेक्टोज ग्लूकोज फ्रक्टोज या फिर सुक्रोज, जो हमारे चार ऑप्शन थे उसमें कुछ इस तरह था. और जो सही ऑप्शन यहाँ पर बनेगा वो होगा बी वाला, जिसका ना जो पॉइंट है वो है ग्लूकोज. फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ग्लाइकोजन का तो हमने पिछले वाले वीडियो में भी डिस्कस करा ही था, तो इसके लिए हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर कि ग्लाइकोजन जो होता है वो ग्लूकोज का ही पार्ट होता, मतलब पॉलीमर होता है. तो ये वाला पॉइंट तो क्लियर है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि जो लिविंग सेल्स होते हैं, लिविंग सेल कंटेन्स 60-75% वाटर और वाटर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इज़. अब ये वाली चीज़ ना बहुत ज़्यादा डिस्कस करी हुई होती है लेकिन क्लियरली परसेंटेज हमें नहीं पता होता. इतना सबको पता होता है कि पानी से बनी है सबकी बॉडीज मैक्सिमम तौर पर, लेकिन कितना परसेंट होता है उसका सही अमाउंट जो होता है वो होता है हमें याद करने के लिए यहाँ पर जो है वो डी वाला ऑप्शन होगा, 65-70% जो हमारी बॉडी है वो वाटर से बनी होती है. और साथ में हमें इतना भी पता होना चाहिए कि जो हमारा 2/3 ऑफ बॉडी है वो पूरा कह सकते हैं वाटर से बना होता है, और जो 65-70% ह्यूमन बॉडी का वो वाटर से तो है ही. और इसमें से जो 50% होता है, यानी कि हम बात करें तो करीब 20-22 लीटर तक का, वो सिर्फ सेल्स में कन्फाइंड होता है और उसको हम बोल सकते हैं इंट्रा सेल्यूलर वाटर. तो ये बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड मोर वाइडली इन अ सेल, ऐसा कौन सा इसमें से आंसर है जो कि सबसे ज़्यादा सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. पहला ऑप्शन है डीएनए, क्लोरोप्लास्ट, आरएनए या फिर स्फेरोसोम्स. तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आरएनए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए यहाँ पर भी कि आरएनए जो होता है वो सिंगल चेन का बना होता है, साथ में सबसे ज़्यादा कॉमनली हर चीज़ में यूज़ हो सकता है. अगर हम बात करें हमारी बॉडीज़ में भी कहीं ना कहीं, जैसे हम बात करते हैं जो ट्रांसफ़र आरएनए होते हैं और मैसेंजर आरएनए होते हैं, वहाँ पर इनके फंक्शंस आ जाते हैं. साथ में हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो आरएनए होते हैं वो 6 तरह के जो मेन होते हैं उसमें हो सकते हैं. पहला हम बात करें तो राइबोसोमल आरएनए होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट होते हैं. फिर होते हैं ट्रांसफ़र आरएनए जो कि बात करें तो 15% हो सकता है टोटल आरएनए का, और ट्रांसफ़र आरएनए होते हैं, मैसेंजर आरएनए होते हैं साथ में जो कि 2-5% हो सकते हैं, स्मॉल साइज के न्यूक्लियर आरएनए हो सकते हैं, साइटोप्लाज्मिक आरएनए हो सकते हैं, जेनेटिक आरएनए हो सकते हैं जो कि वायरसेस में पाए जाते हैं जिनको हम राइबो वायरसेस भी कहते हैं. तो ये सारी बातें होती हैं आरएनए से रिलेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो हमारा जो 15th क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि विच इज़ रॉन्ग अबाउट न्यूक्लिक एसिड्स, इनमें से क्या चीज़ है जो कि गलत है न्यूक्लिक एसिड्स के लिए. पहला ऑप्शन है डीएनए इज़ सिंगल स्ट्रैंडेड इन सम वायरसेस, आरएनए इज़ डबल स्ट्रैंडेड ओकेजनली, लेंथ ऑफ वन हेलिक्स इज 45 angstroms इन बीडीएनए, या फिर लास्ट ऑप्शन है वन टर्न ऑफ जेडडीएनए हैज़ 12 bases. तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो जो सबसे ज़्यादा गलत है वो है सी वाला, जिसका मतलब है लेंथ ऑफ वन हेलिक्स इज 45 angstroms इन बीडीएनए. बाकी सारे पॉइंट सही है, क्योंकि जो बीडीएनए और सारे जो हमारे डीएनए होते हैं उनकी लेंथ ऐसी नहीं हो सकती, यहाँ पर उनकी लेंथ गलत दी हुई है. क्योंकि जो बीडीएनए होता है उसमें जो लेंथ होती है वो 34 angstroms होती है. अगर यहाँ पर एडीएनए में क्वेश्चन करा गया होता तो उसका आंसर हो जाता 25 angstroms हो जाता. वहीं अगर इसमें पूछा जाता कि जो जेड मॉडल होता है डीएनए का, तो जेड डीएनए होता है उसमें कितना होता, तो वहां पर आ जाता सही आंसर 46 angstroms. तो ये सारे सही पॉइंट हो जाते हैं. यहाँ पर 25 सही नहीं दिखाया है, 25 angstroms जो होता वो हो जाता कह सकते हैं हम लोग जो हमारे ए डीएनए होता है उसके अंदर, वहीं 46 हो जाता है जेड डीएनए के अंदर. और जो हमारा फर्स्ट वाला था जो क्वेश्चन है जो बी डीएनए से रिलेटेड था, उसमें जो सही आंसर होता वो होता 34 angstroms से अंदर. तो ये पूरी चीज़ हो जाती है जो हमें पता होना चाहिए कि किस डीएनए में क्या लेंथ होती है. फिर हमारा जो 16 क्वेश्चन है उसमें जो पूछा गया उसमें क्या है, द फोर एलिमेंट्स मेकिंग 99% ऑफ लिविंग सिस्टम आर,
जो चार एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से 99% हमारा जो लिविंग सिस्टम है वो बनता है, वो कौन सा हो सकता है? हमारे जो चार ऑप्शन है वो कुछ इस तरह है, CHOS यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर सल्फर, फिर CHOP यानी यहाँ फॉस्फोरस एक्स्ट्रा आ रहा है, फिर नाइट्रोजन आ रहा है यहाँ पर एक्स्ट्रा, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर फॉस्फोरस। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा CHON वाला, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले एलिमेंट्स होते हैं वो ये चार होते हैं। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो सी होता है वो 18% तक हो सकता है, वहीं ऑक्सीजन जो होती है वो 65% तक हो सकती है, हाइड्रोजन 10% होती है लगभग, और नाइट्रोजन जो होती है वो 2.5% होती है। तो ये सारे प्रिंसिपल नॉन मेटल एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारे उसके लिविंग सिस्टम के 95 या फिर बोल सकते हैं 99% बोल सकते हैं हम लिविंग सिस्टम बनाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के हिसाब से भी, तो हमें ये सब पता होना चाहिए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा गया है विच वन कंटेन्स 4 पिरिमिडिन बेसिस, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 4 पिरिमिडिन बेसिस हो सकते हैं? तो ये बहुत ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 18th नंबर का, द पायरेनॉइड्स आर मेडअप ऑफ, जो पायरेनॉइड्स होते हैं वो कैसे बने होते हैं? तो हमारे जो ऑप्शन है वो कुछ इस तरह है, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो है प्रोटीनेशियस सेंटर एंड स्टार्ची शीथ, फिर नेक्स्ट कोर ऑफ प्रोटीन सराउंडेड बाय फैटी शीथ, कोर ऑफ स्टार्च सराउंडेड बाय शीथ ऑफ प्रोटीन, या फिर कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय प्रोटीन शीथ। तो हमारा यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा फर्स्ट वाला, जिसमें है प्रोटीनेशियस सेंटर ऑफ प्रोटीनेशियस सेंटर एंड स्टार्ची शीट। और जो पायरेनॉइड्स होते हैं हमें पता होना चाहिए वो एक तरह के डेंस प्रोटीनेशियस एरिया होता है जिसमें स्टार्ची शीट से वो जो बोल सकते हैं सराउंडेड होते हैं। साथ में ये जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट जो होता है एल्गी का, उसमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड होते हैं। इनमें कुछ पॉलीमराइजिंग शुगर्स भी एसोसिएटेड हो सकती है जो कि रिजर्व पॉलीमर्स बनाती है जिनको हम स्टार्च कहते हैं। तो ये पायरेनॉइड्स के बारे में कुछ कुछ था फिर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो बात आती है वो है हमारा क्वेश्चन है 19th वाला, अ पॉलीसेकेराइड विच इज़ सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड इन लिवर सेल इज़। अब इनमें से ऐसा कौन सा पॉलीसेकेराइड है जो कि लिवर सेल्स जो होते हैं वहाँ पर कह सकते हैं बनता भी है और स्टोर भी हो जाता है। तो जो 19 क्वेश्चन है वो बहुत बार सबसे सुना गया क्वेश्चन होता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन, क्योंकि ग्लाइकोजन ही ऐसा पॉलीसेकेराइड होता है जो कि स्टोर होता है लिवर सेल्स में, और मतलब इम्पॉर्टेंट भी हमारे लिए जो हमें पता होना चाहिए। साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए ये पॉलीग्लूकोसेन होता है उस तरह का डाइजेस्टेबल ब्रांच्ड चेन जो होमो पॉलीसेकेराइड होता है वो होता है ये ग्लाइकोजन, और ये जो होता है ये ग्लूकोज से भी प्रिपेयर किया जाता है जिसकी जो कि एक प्रोसेस के थ्रू हो सकता है, उस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। और ये सिर्फ लिवर में स्टोर नहीं होता, ये मसल्स में भी स्टोर हो सकता है जो कि ह्यूमन बॉडी की होती है। वेन नीडेड ग्लाइकोजन हाइड्रोलाइज टू फॉर्म, और जब जरूरत होगी तो वो ग्लूकोज भी बना लेगा थ्रू जो हमारी एक और प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, उसके थ्रू बना लेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ग्लाइकोजन से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे 20th वाला कि 2 फ्री राइबोन्यूक्लियोटाइड यूनिट्स आर इंटरलिंक्ड विथ, दो जो राइबोन्यूक्लियोटाइड यूनिट्स होती है वो कैसे इंटरलिंक्ड होती है? तो हमारा जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वो होगा डी ऑप्शन, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड से नहीं हो सकता वो, सिर्फ ये बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है तो इसका सही आंसर होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू ये सब चीज़ हो सकती है। कि जो जब भी हमें 2 फ्री राइबोन्यूक्लियोटाइड यूनिट्स होंगी उनको इंटरलिंक करना होगा तो कैसे होंगी? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से होती है। और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि जो बॉन्ड होती है वो फॉस्फेट ग्रुप जो होता है एक न्यूक्लियोटाइड का उसके और जो दूसरे ग्रुप का हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और जो कि शुगर का होता है उससे कनेक्टेड होता है, उसके बीच में ये मतलब कहना चाहिए बॉन्ड बनती है। तो ये सारी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। तो ये सारे हमारे अभी फर्स्ट सेगमेंट जो हमने बायो मॉलिक्यूल्स का बनाया उसमें 20 क्वेश्चंस हमने कवर अप किए हैं। नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में हम और क्वेश्चंस देखेंगे, मतलब डे 2 की हम और एक दो वीडियोस बनाएंगे तब इसका पूरा कंप्लीट होगा। तो अभी ये वाली वीडियो में इतना काफ़ी था, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड विद ऑल द वीडियोज़ अपलोडेड। थैंक यू सो मच।